देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किया। इस योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले से की थी और आज इसका उद्घाटन कर दिया गया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ आज देश के अलग अलग जिलों में किया गया। नोएडा में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि नोएडा के कला केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का लाइव कार्यक्रम का प्रसारण दिखाते हुए 7 से 8 लोगों को इस योजना का गोल्डन कार्ड दिया गया, जिसके तहत हर एक गरीब परिवार अपने अपने परिवार के सदस्यों का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। इसके लिए हर एक परिवार को 5 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। नोएडा में हुई इस योजना के शुभारंभ में नोएडा के विधायक पंकज सिंह, जेवर के विधायक धीरेन्द्र ठाकुर, महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम, नोएडा के जिलाधिकारी बी एन सिंह, नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुराग भार्गव शामिल रहे। जो कभी मेडिकल कवर नहीं पाए थे, डॉक्टर्स के पास जाने में उनको सोचना पड़ता था कि कितना खर्चा आएगा, कैसे जाएं, और अधिकतर गरीब लोग डॉक्टर्स से हॉस्पिटल से चिकित्सीय लाभ नहीं ले पाते थे। उन सब के लिए भारत सरकार ने और हमारे प्रदेश सरकार ने जो स्कीम आज लॉन्च होने जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें ऐसे सभी गरीब लोग उनका परिवार 5 लाख तक के इंश्योरेंस से कवर्ड होगा और इसमें कोई प्रीमियम उनको पे नहीं करना पड़ेगा, उनको एक पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। जिनके कार्ड बने होंगे, अस्पतालों के पैनल बने हैं, जैसे आपके जनपद में 11 अस्पताल हो गए हैं, 4 सरकारी 7 सरकारी, और संख्या और बढ़ेगी। उन अस्पतालों में गरीब लोग जाएंगे, उनको चिकित्सीय लाभ मिलेगा और 5 लाख तक का खर्चा सरकार और शासन वहन करेगी। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए एक अनूठी स्कीम है और ऐसी स्कीम है जो सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी के कंट्री के ह्यूमन फेस को देखती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसके और डिटेल्स हैं, प्रोसेस ऑन है, हम लोगों का है कि इसमें 7 से अधिक हॉस्पिटल्स इंपैनल हो जाएं। जो व्यक्ति जाएगा अस्पताल में, उसके लिए एक विशेष व्यक्ति नियुक्त हुआ है, वो उनको फैसिलिटेट करेगा, बताएगा, ले जाएगा। इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंपैनल्ड हैं, वहां भी फैसिलिटेटर्स होंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी योजना है, विश्व की ये हेल्थ केयर में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी योजना है और इसका लाभ 10 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों को और लगभग सीधे सीधे मैं कहूँ तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोगों का स्वस्थ होना आवश्यक है और इस कड़ी में यह एक बहुत बड़ा और महान कदम है। देखिए, अब ये तो केंद्र से ये योजना तैयार है, जो भी इसमें पात्र होंगे वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे और जो भी चिन्हित वो हॉस्पिटल्स होंगे वो भी उसमें काम करेंगे। नोएडा में गोल्डन कार्ड लोगों को बांटे गए हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को इसके कार्ड भी बांटे गए हैं, आगे भी यह कार्यक्रम चलेगा। देखिए, जो 2011 की बीपीएल लिस्ट थी उसके सारे लाभार्थियों का जो है सत्यापन करा लिया गया है। जिनके घर में जो लोग ऐड होने थे या सब्ट्रैक्ट होने थे, अर्थात जो लड़की शादी होकर आ गई या जो बच्चा नया आया, अर्थात जो लोग जिनकी किसी की डेथ हो गई, तो उनको उससे हटा दिया गया है, बाकी सब लोगों को जोड़ लिया गया है। तो इस प्रकार ये चीज़ें चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी थे, जो अपना अभी तक प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते थे, उनको वहाँ पे सुविधा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी का बीच में रोल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना उसको पड़ता है। इसमें सीधी सरकारी योजना लागू है, इसमें सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और सबको ये वो मिलेगा। और सारे जगह पर आयुष्मान मित्र अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो मित्र से पहले वो आदमी मिल जाएगा और उसके पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं।
जिसमें उसको अपने मर्ज का पता लग जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी है और वो अपने पथरी का इलाज कराने चला जाता है या किसी और का वो बात करने चला जाता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसका जब उसको कारण पता लग जाएगा तो सही अस्पताल में सही जगह पहुंच के अपना सीधा सीधा इलाज करा पाएगा। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है, इससे अच्छा अभी तक कोई भी स्कीम आई नहीं है। मेरा नाम सुशी है, अपने दुर्गा गांव की आशा। ये हमें जो है हमारे जैसे ये हमें बीमारी में के काम आएगा, जैसे कभी भी हमें बीमार पड़ सकते हैं हम, तो उसमें हमें ये मतलब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे और हमारा फ्री इलाज होगा जी। नहीं, ये जो कुछ चुने हुए लोग हैं जो गरीब वर्कर हैं तो बस ये उन्हें दिया गया है जी। 5 लोगों को मिला है आज और रह रहे हैं जी। हाँ, हमें बताई गई प्रक्रिया बताई गई है, हमारे लिए कुछ लोग वहाँ पे रहेंगे जो मतलब कि हम ये कार्ड लेके जाएंगे। अगर हमारे पास ये कार्ड भी नहीं होगा तो हमें ये अंगूठा लगा के भी हमारा जो है ये निकल जा सकता है, मतलब कार्ड कि हमारा जो ये हुआ है मतलब कार्ड बना है ये निकल सकता है जी। हमारा ये 5 लाख तक का फ्री इलाज है। ये हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी करा सकते हैं।